खबर शिमला से है। भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल कांग्रेस के नेता पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह इंदौर जाएंगे। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। बारी बारी से दूसरे कांग्रेस के नेता भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। लगातार भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की चल रही है, अलग अलग राज्यों से गुजर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से प्रदीप ठाकुर का रुख करते हैं इस खबर पर। प्रदीप, देखिए कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अब हिमाचल के नेता पहुंचेंगे, कितनी खास ये यात्रा इनके लिए रहेगी? बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वो लगातार चली हुई है और काफ़ी कह सकते हैं कि लंबा सफ़र उसने तय कर लिया है। ऐसे में हिमाचल में क्योंकि चुनाव थे तो हिमाचल कांग्रेस के नेता इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे। अब चुनाव निपट चुके हैं, चुनावी थकान भी जो है वो दूर की जा चुकी है और वह 8 दिसंबर का इंतजार किया जा रहा है, जब हिमाचल में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आने हैं। उसके बाद व्यस्तता नेताओं की बढ़ेगी। उससे पहले हिमाचल कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, खासतौर पर अगर बात करें प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह की और युवा विधायक विक्रमादित्य सिंह की, जानकारी यह है कि ये भारत जोड़ो यात्रा के लिए इंदौर जाने वाले हैं। 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। उस दौरान यहां पर इंदौर में जो है इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की अध्यक्ष भी वहां पर पैदल चलेंगी, उनके साथ साथ विक्रमादित्य सिंह भी, बाकी भी कांग्रेस के नेता वहां पर जाएंगे। अलग अलग दिन पर बारी बारी करके हिमाचल कांग्रेस के नेता इस यात्रा में शिरकत करेंगे जहां जहां उन्हें मौका मिलता है। लेकिन प्रदेशाध्यक्ष इंदौर में रहेंगी, वहां पर उनके साथ पैदल यात्रा करेंगी, विक्रमादित्य सिंह भी उसमें मौजूद रहेंगे। तो कह सकते हैं कि हिमाचल की तरफ से कांग्रेस पार्टी के नेता भी इसमें अपना सहयोग देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 8 दिसंबर को रिजल्ट आने हैं तो फिर नई उस वक्त क्या परिस्थितियां बनती है, तो उस हिसाब से व्यस्तता कांग्रेस के नेताओं की रहेगी। लेकिन उससे पहले कोशिश यही की जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में अपनी जो हिस्सेदारी है वो सुनिश्चित की जा सके, वहां पर जाया जाए, लोगों के बीच जाए और एक मैसेज भी देने की कोशिश होगी कि हर राज्य जैसे कांग्रेस के बड़े नेता इस भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रहे हैं। तो ये जो है इंदौर में जब ये यात्रा पहुंचेगी, उस दौरान हिमाचल कांग्रेस के कुछ नेता, बड़े नेता वहां पर उस यात्रा में, उस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। प्रदीप, बढ़ते हैं खबरों में आगे और एक बड़ी खबर। चुनावी थकान मिटाने के बाद दिल्ली लौटी हैं प्रियंका गांधी और शिमला से सड़क के जरिए दिल्ली लौटी प्रियंका गांधी। करीब एक महीने तक हिमाचल में रही थी प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी ने यहां पर हिमाचल में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला था। लगातार ताबड़तोड़ प्रचार करती नजर आई थी कांग्रेस के लिए हिमाचल विधानसभा चुनाव में और अब चुनावी थकान उन्होंने मिटाई है। हिमाचल में कुछ दिन वो रुकी थी और अब सड़क मार्ग से ही दिल्ली लौटी है। एक महीने तक वो हिमाचल में रही थी और प्रियंका गांधी ने हिमाचल में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला था। ताबड़तोड़ प्रचार करती नजर आई थी, कई जनसभाएं और रैलियां प्रियंका गांधी ने की थी और अब चुनाव प्रचार के बाद वापस दिल्ली लौटी है।